एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो इसमें क्या है, पी ऑफ एक्स दिया है एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए। ये क्या है, पी ऑफ एक्स इस क्वेश्चन में दिया है एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, और जी ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स माइनस ए। अब इसमें इसका रिमाइंडर निकालना है, तो वाई रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। वाई रिमाइंडर थ्योरम, तो पहले तो निकालेंगे एक्स की वैल्यू, तो एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। इसको इधर पुट कर देते हैं, तो पी ऑफ ए इक्वल टू एक्स की जगह इसको रखेंगे तो ए का क्यू माइनस ए एक्स की जगह ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस का ये भी ए क्यू प्लस सिक्स ए माइनस ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, और सिक्स ए और ए माइनस का है ए प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव ए। रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री, चेक वेदर सेवन प्लस थ्री एक्स इज ए फैक्टर ऑफ थ्री एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स। अब इसमें क्या देखना है कि सेवन प्लस थ्री एक्स है, ये फैक्टर है थ्री एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स का या नहीं है। तो पहले तो लिखेंगे कि पी ऑफ एक्स क्या दिया है, पी ऑफ एक्स दिया है थ्री एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या दिया है, सेवन प्लस थ्री एक्स। अब ये फैक्टर है या नहीं, तो पहले तो फैक्टर की डेफिनेशन समझ लें। यदि ये फैक्टर होगा तो फुल डिवाइड होगा, कम्प्लीटली डिवाइडेड होगा ये। यदि ये इससे कम्प्लीटली डिवाइडर है, मीन्स रिमाइंडर जीरो है, इफ़ रिमाइंडर इज ज़ीरो, यदि रिमाइंडर ज़ीरो है तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, और यदि जीरो नहीं है कुछ और है तो ये फैक्टर नहीं है। तो इसको पहले करके देखते हैं, तो इसको रीअरेंज करके पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वाई रिमाइंडर थ्योरम, या तो इसे डिवाइड से निकाल सकते हैं या रिमाइंडर थ्योरम से निकाल सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से निकालते हैं, सिंपल पड़ेगा, तो थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो, तो थ्री एक्स इक्वल टू माइनस सेवन, तो एक्स इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन थ्री। अब एक्स की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, पी माइनस सेवन अपॉन थ्री इक्वल टू थ्री माइनस सेवन अपॉन थ्री का क्यू प्लस सेवन माइनस सेवन अपॉन थ्री। अब इसका मल्टीपल करें, तो थ्री मल्टीपल सेवन का क्यू कितना होता है, अब चूंकि ये माइनस है तो माइनस तो यहाँ रहेगा ही, थ्री फोर थ्री, सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन करने पर इतना होता है, और थ्री का क्यूब कितना होगा, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस आ जाएगा, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन अपॉन थ्री। अब इस थ्री से इसको यदि हम कैंसिल करें तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा, नाइन टाइम्स कटेगा। अब ये क्या आया, माइनस थ्री फोर थ्री अपॉन नाइन माइनस फोर नाइन अपॉन थ्री। इसका एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम नाइन आएगा, तो नाइन बन जाए नाइन, तो इधर क्या हो जाएगा, थ्री फोर थ्री माइनस
थ्री थ्री या नाइन, इसमें थ्री का मल्टीपल हो जाएगा कितना 49 इंटू थ्री। अब इधर कर लेते हैं इसको, अब कितना आया था ये माइनस 343 माइनस, इसमें इसका मल्टीपल करेंगे तो 147 आएगा, 147 अपॉन 9। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 490 और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा अपॉन 9, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या कह सकते हैं कि रिमाइंडर पी सिंस रिमाइंडर पी ऑफ माइनस 7/3 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफोर 7+3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये क्या है, पी एक्स का फैक्टर नहीं है।